हिंदी सबसे इजी और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम थोड़ा बहुत पढ़ के भी बहुत तगड़ा स्कोर कर रहे होगे। अगर तुम्हें हिंदी हार्ड लगती है तो वो इसलिए है तुमने अभी तक पढ़ी नहीं है। अब जिस तरह से मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर उस स्ट्रेटजी से पढ़ते हो तो तुम बहुत तगड़े मार्क्स ला रहे होगे हिंदी में। ये वीडियो हिंदी ए और हिंदी बी वाले दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। बस तुम्हें लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहना है और मेरी गारंटी है कि तुम अपने हिंदी में फुल मार्क्स लेकर आ रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल और आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं होती पर फिर भी हिंदी को इतने अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता इसके बारे में स्ट्रेटजी वगैरह। तो इसीलिए ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ तो चुपचाप जो जो बात मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ उसे तुम्हें लिख लेना है। तो यार वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे सिलेबस से, उसके बाद हिंदी के पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस तरह का तुम्हारा पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है वो बताऊंगा और लास्ट में तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं तुम्हें, फिर उसके बाद कौन सा सेक्शन करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो बात करते हैं यार पहले हिंदी ए वाले बच्चों की। तो इसमें यार तुम्हारे पास दो बुक होने वाली है, एक तो होगी तुम्हारी क्षितिज और एक होने वाली है कृतिका। अगर चैप्टर्स की बात करें तो क्षितिज के अंदर तुम्हारे दो सेक्शन होने वाले हैं जिसमें तुम्हारा एक होगा काव्यखंड और एक होगा तुम्हारा गद्यखंड, जो कि तुम्हारे प्रोस और पोइट्री भी तुम कह सकते हो। इनके चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। इसके बाद आता है तुम्हारा व्याकरण मीन्स ग्रामर। तो ग्रामर में तुम्हें यार रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। और अलंकार में भी तुम्हारे ये चार टाइप के अलंकार आने वाले हैं, जो कि तुम्हारा होगा श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इन चार टाइप्स को कर लेना बस। तो यार ये तुम्हारे एनसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, जो कि तुम्हारे 16 मार्क्स की होगी पूरी ग्रामर। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है तुम्हारा जो कि होगा राइटिंग। तो राइटिंग के अंदर यार तुम्हें करने हैं अनुच्छेद लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, समृत लेखन या फिर ईमेल। इन दोनों में से तुम एक कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ आता है तुम्हारा संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन। तो यार हिंदी ए वालों का सिलेबस ये है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी बी वालों की। तो यार जैसे तुम्हारे हिंदी ए में क्षितिज और कृतिका बुक थी, इसी तरह से इसमें तुम्हारी दो बुक होने वाली है, जो कि तुम्हारी पहली होगी स्पर्श और दूसरी होगी संचय। तो उन्हीं से तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद आता है तुम्हारा व्याकरण। तो व्याकरण में यार तुम्हारे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, मुहावरे, पदबंध और तुम्हारा समास आता है। जब तुम ग्रामर में इतना कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारा आता है राइटिंग में। राइटिंग में तुम्हारा अनुच्छेद लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, लघु कथा लेखन या फिर ईमेल लेखन। तो हिंदी भी का यार तुम्हारा ये सिलेबस है, इसका तुम वेटेज भी देख सकते हो। अब देखते हैं कि तुम्हारा पेपर किस तरह से बनता है हिंदी का, मतलब किस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। तो यार सबसे पहले तुम्हारे पेपर में दो खंड होने वाले हैं, यानी कि दो सेक्शन होने वाले हैं। एक होगा तुम्हारा सेक्शन ए यानी खंड ए और सेक्शन बी यानी खंड बी, जिसमें तुम्हारे सेक्शन ए यानी खंड ए में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि तुम्हारे मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। और वहीं सेक्शन बी में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि तुम्हारे एक्सप्लेन करने वाले होंगे, यानी कि पूरा लिखने वाले ही होंगे। तो सेक्शन ए यानी खंड ए में तुम्हारे जो होने वाले हैं 10 क्वेश्चंस होंगे और उन 10 क्वेश्चंस के अंदर 49 और क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस होंगे या फिर शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। और इसी तरह से सेक्शन बी यानी कि खंड बी में तुम्हें 7 क्वेश्चंस दिए होंगे। तो यार सबसे पहले जब तुम्हारी स्टार्टिंग होगी खंड ए से, तो उसमें तुम्हारे आएंगे गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश में तुम्हें एक ऐसा पैराग्राफ दे दिया जाएगा जो तुमने पहले कभी पढ़ा ही ना हो, यानी कि अनसीन पैसेज। अब उस पैसेज के अंदर से तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि तुम्हारे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं एक एक नंबर के। इसी तरह से इस खंड से दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछा जाएगा वो होगा तुम्हारा गद्य खंड से। तो यार काव्यांश के लिए भी तुम्हें ऐसे ही अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और फिर सेम टू सेम ऐसे ही तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे करने के लिए। तो देख लो तुम कितना ईजी है, तुम्हें बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और तुम आराम से 10 मार्क्स लेकर आ जाओगे। अब पद्यांश में तुम्हें यार चॉइस होती है, तुम या तो कोई सा भी कर सकते हो, दो दे देंगे तुम्हें, उनमें से तुम कोई सा भी कर लेना जोन से तुम्हें आता हो। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो होगा तुम्हारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो इससे यार तुम्हारे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब तुम्हें 4 क्वेश्चन करने दिए होंगे 5। अब तुम कोई से भी 4 कर सकते हो जो भी तुम्हें आते हो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में तुमसे पूछे जाएंगे वाच्य। तो वाच्य के अंदर भी यार तुमसे 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से तुम्हें 4 करने हैं कोई से भी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में तुमसे पद परिचय पूछे जाएंगे। तो पद परिचय के अंदर भी तुम्हारे 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 तुम्हें कोई से भी करने हैं जो तुम्हें आते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन में तुम्हारे आ जाता है अलंकार।
तो अलंकार के अंदर भी सेम टू सेम वही पैटर्न होने वाला है। 5 क्वेश्चन 4 करने हैं। अब 7th क्वेश्चन में तुमसे पूछे जाएंगे सीन पैसेज, यानी कि जो तुम्हारे चैप्टर्स में है, गद्य खंड में जितने भी तुम्हारे चैप्टर है उनमें से कोई सा भी पैराग्राफ ये उठाएंगे, मतलब पैसेज उठाएंगे और तुम्हें एग्जाम में दे देंगे। अब उसके अंदर 5 क्वेश्चन दे देंगे जो कि तुम्हारे मल्टीपल चॉइस ही रहने वाले हैं। तो यार इजी है, तुम आराम से कर लोगे उनको। कैसे करना है वीडियो पर बने रहना, मैं बताऊंगा आगे। अब इसके बाद तुम्हारा 8th क्वेश्चन में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो गद्य खंड के किसी भी चैप्टर से तुम्हारा क्वेश्चन उठ के आ सकता है और वो क्वेश्चन तुम्हारा नॉर्मल होगा, सेम मल्टीपल चॉइस। इसके बाद तुम्हारा 9th क्वेश्चन आता है पद्यांश से रिलेटेड, जो कि तुम्हारा पोइट्री यानी कि पद्य खंड से होगा, मतलब काव्य खंड। तो इसका भी पूरा एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे तुम्हारे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद सेम 10th क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो तुम्हारे पदखंड में से चैप्टर से उठाकर दे दिए गए थे ना, ऐसे ही इसमें काव्यांश में भी तुम्हें चैप्टर से 2 क्वेश्चन उठाकर दे देंगे जो कि तुम्हारे मल्टीपल चॉइस होंगे, उन्हें तुम्हें करना है। अब तक जो तुम्हारे क्वेश्चन और पैसेज पूछे गए थे वो तुम्हारे क्षितिज से थे, और अब जो तुम्हारे कृतिका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होने वाले हैं जो कि तुम्हें अब आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यार तुम्हें 9th क्वेश्चन में दिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हारा कृतिका से होने वाला है। 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनमें से 3 तुम्हें सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद 12th क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा वो भी कृतिका से ही पूछा जाएगा और वो भी तुम्हारा शॉर्ट होने वाला है। और 13 में तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे कृतिका से, जो कि तुम्हारे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से तुम्हें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इतना कर लेते हो तो उसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन, जिसमें तुम्हें सबसे पहले अनुच्छेद दिए जाएंगे। 3 अनुच्छेद तुम्हें ये देंगे लिखने के लिए, उनमें से तुम्हें 1 करना है जो तुम्हें इजी लगता हो। इसके बाद 15th क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा वो होगा तुम्हारा लेटर लिखने के लिए, जो कि तुम्हारा होगा औपचारिक और अनौपचारिक लेटर। इन दोनों पत्र में से तुम्हें 1 करना है कोई सा भी, जो कि तुम्हारा मिनिमम 100 वर्ड्स का होना चाहिए। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आता है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें करने हैं संवृत या फिर ईमेल, इनमें से तुम्हें जो भी आसान लगता हो उसे कर सकते हो। अब पेपर का लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बनने वाला है जो कि तुम्हारा संदेश लेखन या फिर विज्ञापन लेखन, जो कि तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट होगा। इन दोनों में से तुम 1 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी तुम्हें कम से कम 60 शब्दों का कोई भी विज्ञापन या फिर ईमेल लिखना है। तो तुम देख सकते हो यार तुम्हें कितने सारे तो ये ऑप्शन दे रहे हैं। तुम पहले से अगर स्ट्रेटेजी सही से करके जाओगे ना तो तुम बहुत तगड़ा स्कोर करोगे। अब वो बताता हूँ स्ट्रेटेजी तुम्हें करना क्या है इसमें। ये पेपर पैटर्न मैंने हिंदी ए वालों को बताया, हिंदी बी वालों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें PDF दे दूंगा, तो तुम उसमें से भी देख सकते हो। अब पहले स्ट्रेटेजी सुन लो करना कैसे है। अब बात करते हैं सेक्शन ए से, तो उसमें यार तुम्हें जो अनसीन पैसेज आएंगे ना, यानी कि अपठित गड्डांश, उनकी तुम्हें प्रैक्टिस बस घर पे वैसे ही करनी है कि तुम्हें लास्ट ईयर के जो तुम्हारे क्वेश्चन होंगे ना क्वेश्चन पेपर, उनसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस अपनी थिंकिंग को यूज करके कोई बहुत तगड़ा रॉकेट साइंस ने लगाना उसमें। जब उसे कर लेते हो तो उसके बाद आता है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन तुम्हारा सबसे ईजी होने वाला है। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, तुम कॉमेंट कर देना। अगर इस वीडियो में बताने लग गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए भी सेम तुम्हें वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो तुम्हें अनसीन पैसेज के लिए करी है। लास्ट 2-3 साल के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर है ना उन्हें सॉल्व कर डालो और उनमें देखो कि कौन से क्वेश्चन तुम्हारे सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको ही सॉल्व कर लेना, या फिर मैं अपने आप बनाकर बुकलेट तुम्हें दे दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो। इतना करने के बाद आते हैं तुम क्षितिज और कृतिका वाले चैप्टर्स पर। तो उन चैप्टर्स को तुम्हें कैसे करना है वो बताता हूं। तो उसके लिए तुम्हें कोई बहुत तगड़ा वो नहीं करना है, बस तुम्हें अपनी बुक उठानी है और उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो तुम्हारे उस बुक में दे रखे हैं। और पढ़ना भी नहीं चाहते तो फिर एक काम करना, YouTube पर आ जाना, YouTube पर उनकी समरी सुन लेना बस। समरी सुन के और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। क्वेश्चंस को इतने तगड़े थोड़ी नहीं आते तुम्हारे, बस मल्टीपल चॉइस आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा कृतिका। कृतिका के लिए भी तुम्हें सेम यही करना है, चैप्टर्स को अच्छे से समझो कि क्या स्टोरी बताई गई है उसमें, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो बस। अब इसके बाद राइटिंग सेक्शन बचता है, तो राइटिंग सेक्शन को करने के लिए तुम YouTube पर ही वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर तुम चाहते हो तो, कि किस तरह से तुम्हें लेटर को लिखना है, किस तरह से तुम अनुच्छेद को करोगे, ईमेल और एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है वो सब बता दूंगा। तो देखो अब इनमें से तुम्हें जो ये अथवा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यानी कि 2 में से 1 करना है, तो मेरी मानो तो तुम इनमें से जैसे तुम्हारा आता है एडवर्टाइजमेंट और संदेश लेखन, तो इनमें से तुम एडवर्टाइजमेंट को करोगे जो कि तुम्हारा इजी भी पड़ जाता है। ऐसे ही तुम्हारा संवृत लेखन और ईमेल लेखन होता है ना, इन दोनों में से तुम ईमेल लेखन को कर सकते हो, ये भी तुम्हारा बहुत इजी पड़ेगा। और बात करें लेटर की, तो इन दोनों लेटर में से कोई सा लेटर रेडी कर लेना, या तो औपचारिक या अनौपचारिक। तो ऑप्शंस तुम्हारे पास बहुत है, तो अगर तुम सही से स्ट्रेटजी बनाते हो कि इसको करूंगा मैं, ओनली ये क्वेश्चंस करने हैं मुझे, तो तुम बहुत तगड़ा स्कोर करोगे। तो राइटिंग में से तुम्हें एक टाइप के क्वेश्चन ही करने हैं और उनकी ही प्रैक्टिस करते रहना है बस। जब इतना कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें उठाने हैं ये क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे। तुम्हें कहां मिलेंगे वो मिल जाएंगे तुम्हें
टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर तुम यूके लर्न इट सर्च कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक दे दूंगा। इन पेपर्स को तुम्हें सॉल्व करना है जितना हो सके। तो बस यार, अगर अभी तक वीडियो पर बने हुए हो तो तुम अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ने वाले हो, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा हिंदी का डर दूर हुआ है तो कमेंट में भी लिख दो हिंदी आसान है। तो बस दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर दो स्कूल ट्यूशन के ग्रुप में अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग।